राजस्थान में बीजेपी में 3 दिन बाद एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब नेता प्रतिपक्ष की भी घोषणा की जा सकती है। रविवार को राजस्थान भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इसमें नए नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का नाम सबसे आगे है। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के लिए राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया की दावेदारी भारी है। राठौड़ 6 बार से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। राठौड़ के पास विधानसभा का लंबा अनुभव है और उन्हें विधानसभा संचालन नियम प्रक्रिया और कानूनों की खासी जानकारी है। वहीं वर्तमान में वो उपनेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में पार्टी ने राजस्थान में अहम बदलाव करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को पद से हटाते हुए चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। ऐसे में यह भी संभावना जताई जा रही है कि पुनिया को एडजस्ट करने के लिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पुनिया को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो यह पार्टी का चौंकाने वाला फैसला होगा। बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली में लगातार गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ नेता ओम माथुर समेत अन्य नेताओं से मिल रहे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय होने की संभावना को बल मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की है। राजस्थान में भी आम आदमी